गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं उठा एंड अपनी बेडशीट्स ठीक की एंड अपना पूरा बेड सही किया। देन आफ्टर दैट मैंने बालकनी खोली, थोड़ी सी फ्रेश एयर अंदर आने दी एंड जस्ट धूप के मज़े लिए। आई नो इट्स फनी बट या सुबह सुबह धूप के मज़े ही कुछ और होते हैं। एंड उसके बाद लाइक जस्ट ये जो प्यारा सा नज़ारा दिख रहा था ना, इसके बाद मैं जस्ट बैठ गया अपने योगा के लिए एंड देन थोड़ा सा मेडिटेशन एक्सरसाइज। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने से लाइक यू नो एक अच्छी शुरुआत हो जाती है आपकी मॉर्निंग की एंड वो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है आपको एंड कहीं ना कहीं आपका दिन भी इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड देन मैंने अपनी बुक पढ़ी। मॉर्निंग में बुक पढ़ना लाइक हमेशा तो नहीं हो पाता है, लाइक कभी कभी जब सुबह सुबह क्लास जाना होता है तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं बुक पढ़ूँ। बट बुक पढ़ना यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट गिव्स यू विजडम नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ यू नो एनर्जी एंड अ पॉजिटिव वाइब्स दैट यू विल गेन आफ्टर रीडिंग बुक इज जस्ट ऑसम। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट एन्जॉयड माई ग्रीन टी एंड आई जस्ट गॉट रेडी फॉर माई कॉलेज फॉर 8 to 9 क्लास। एंड आफ्टर डूइंग माई क्लासेज आई जस्ट गॉट रेडी फॉर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। एंड फॉर क्लिनिकल पोस्टिंग्स आई टुक माई स्टेथोस्कोप और बस जल्दी जल्दी मैं हॉस्पिटल पहुँचा ताकि डांट ना पड़े, क्योंकि लेट होने पे ऑब्वियसली डांट तो पड़ेगी डॉक्टर से। एंड हॉस्पिटल का व्यू लाइक मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है जब हम जाते हैं। सो इसके बाद जस्ट मैं अपने वहाँ पर गया जहाँ पर भी हमारी पोस्टिंग लगी हुई थी। एंड पोस्टिंग में लाइक हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ा भी, थोड़ा बहुत लाइक बैठ के गप्पे मारे एंड लाइक मज़ा आता है यार पोस्टिंग में। एंड आफ्टर यार जब क्लासेस ख़त्म हो गई, पोस्टिंग ख़त्म हो गई, फिर मैंने इवनिंग में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई भी की, तो मज़ा आता है यार लाइब्रेरी में, क्योंकि रूम पे ना उतना ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाता है जस्ट आफ्टर क्लासेस और पोस्टिंग्स, तो लाइब्रेरी में पढ़ाई हो जाती है। सो आप में से कई लोग मेरे से पूछते हो कि लाइब्रेरी का अंदर का दिखाओ, तो बस इसी तरीके से लाइब्रेरी में यार बहुत ही शांति का माहौल होता है, पढ़ने में बहुत सही रहता है वहाँ पर। एंड दैट्स ऑल। फिर इवनिंग में मैं जस्ट गया एंड थोड़ा सा और हर्बल टी ली, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है ये, दैट्स व्हाई जस्ट मैं इसको लेता हूँ। एंड मैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे भी कभी कभी निकल जाता हूँ, वैसे तो मोस्टली मैं संडे को जाता हूँ बाहर, बट इट डिपेंड्स अपॉन माय माइंड। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट हैव माय डिनर एंड डिनर के बाद मैं यू नो बुक्स पढ़ता हूँ, डायरीज थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ, इट कैन बी माय पर्सनल लाइफ, इट कैन बी माय डेली डायरी राइटिंग और माय एक्सपीरियंसेस एंड थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ डायरी में या फिर बुक्स को पढ़ के। So that was all a normal day of my second year and second year फ़िलहाल तो यार end होने को है, but मैंने कोशिश की कि एक normal day कैसा होता है मेरा and obviously deviations आना बहुत ही normal है। and वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी सोऊँ but नहीं हो पाता है, एक बज जाता है दो बज जाता है सोने में। and this year I will definitely try to sleep early and wake up early। सो गाइज़ आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑब्वियसली शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें एंड मे बी कुछ ना कुछ उनको हेल्प हो इससे। डेट्स ऑल, मिलते हैं फिर, बाय बाय।